हाय, माई सेल्फ विनीत कुमार राय। मैं आज आप सबको इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर MySQL और PHP में बनाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, इस सॉफ्टवेयर को हम लोग तीन प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं। एक डेस्कटॉप बेस्ड यानी सिंगल सिस्टम पे यूज कर सकते हैं, मल्टी सिस्टम यानी बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ कनेक्टेड हो, किसी एक पे इंस्टॉल करने के बाद हम बाकी सब पे यूज कर सकते हैं। तीसरा, हम इसे इंटरनेट पे डोमेन रजिस्ट्रेशन करा के भी यूज कर सकते हैं। अब मैं इस सॉफ्टवेयर के फ्लो के बारे में बताऊंगा, ये सॉफ्टवेयर कैसे फ्लो करता है, मीन चलता कैसे है। तो हम पहले एडमिन लॉगिन करेंगे, वहाँ से हम ऑपरेटर का यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करेंगे। ये सारी फैसिलिटी दी गई है, इसमें कोई भी डेटा नहीं है, ऑलरेडी सारे डेटा हमने पहले से डिलीट कर चुका हूँ। तो हम ऑपरेटर ऐड करेंगे यहाँ से। ऑपरेटर ऐड हो गया, ये ऑपरेटर है। अब हम चलते हैं ऑपरेटर लॉगिन में। हम ऑपरेटर का ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और हम ऑपरेटर में लॉगिन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का बेसिक चीज़ें हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं उसकी सारी लिस्ट आनी चाहिए, जो यहाँ पे अभी हम ऐड करेंगे तो आएगी, और हमारे कितनी पार्टियाँ हैं यानी हमारे कितने डीलर हैं जिन जिनको हम अपना प्रोडक्ट देते हैं मार्केट में बेचने के लिए, और उसका रिकॉर्ड करने के लिए हम यहाँ से सेल्स करते हैं, सेल्स इनवाइस बनाते हैं, रिसिप्ट वाउचर है जहाँ जहाँ से हमें पेमेंट आती है उसका रिकॉर्ड यहाँ रखते हैं, लिखते करते हैं, और सेल्स रिटर्न यानी जो प्रोडक्ट दिया गया है जो नहीं बिका वापस आया है उसका यहाँ से हम मेंटेन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्टी से। हम पार्टी ऐड करेंगे, यहाँ पे हमने पार्टी का नाम मुकेश रखा है। हम ईमेल आईडी डालेंगे, का एड्रेस डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, जेंडर डालेंगे, टाइप क्या है, और यहाँ से हम कंट्री डालेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ से डेट डालेंगे सेलेक्ट करके कैलेंडर से। अगर उनका फ़ोटो है तो आप फ़ोटो भी डाल सकते हैं, नहीं है तो भी डेटा एंट्री हो सकती है। ये रहा आपका कस्टमर का, पार्टी का डिटेल आ गई। हम एक और पार्टी ऐड कर लेते हैं। हमारे पास इनका फ़ोटो नहीं है, इंसर्ट करेंगे, फ़ोटो नहीं दिखेगा, बाकी सारे डिटेल यहाँ पे ऐड हो जाएगी। हम इनका प्रिंट भी ले सकते हैं, सारे जितने रिकॉर्ड हैं हम यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। ये PDF फॉर्मेट में है, आप इसे सेव भी कर सकते हैं या प्रिंट भी कर सकते हैं। अब हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे। हमारे पास कोई अभी प्रोडक्ट ऐड नहीं है, हम यहाँ से ऐड पर क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट आईडी, जैसे कि मान लीजिए P1 है, आईडी कुछ भी आप रख सकते हैं, 001 भी रख सकते हैं, हम 001 रखेंगे। ये आपका कुछ भी है, P1 से स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कुछ भी आप डाल सकते हैं, प्रोडक्ट 1 ही लेते हैं। क्वांटिटी, प्रोडक्ट 1 की हमारे पास 1000 है, प्राइस उसकी एक की 100 रुपये है, हर प्रोडक्ट का वैल्यू जो 100 रुपये है। आज की हम डेट डालेंगे, यहाँ से हम सबमिट करेंगे, हमारा प्रोडक्ट ऐड हो गया। एक और प्रोडक्ट हम ऐड करेंगे, 002 से ऐड करते हैं, प्रोडक्ट 2,
1000 क्वांटिटी है हमारे पास, 100 रुपये की प्राइस है उसकी। आज की डेट पे हम ऐड करेंगे। तो हमने हमारे स्टॉक पे कितनी क्वांटिटी है, 2000 क्वांटिटी है, ये 2000 क्वांटिटी कितना अमाउंट हुआ, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके कितने हज़ार का अमाउंट हमारे पास है। अब हम यहाँ से सेल्स ऑर्डर करेंगे। सेल्स ऑर्डर में ये प्रीवियस इनवाइस अभी तक कोई नहीं है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पार्टी, हमने 2 पार्टियाँ ऐड की हैं, हम इनको दे रहे हैं, कोई भी कमेंट में हम डाल सकते हैं जो भी रहा उस दिन का। यहाँ से हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, हमने 2 प्रोडक्ट ऐड किया है, प्रोडक्ट 1 हम सेलेक्ट करेंगे। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सारे प्रोडक्ट यहाँ से जैसे ही आप ऐड करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएंगे। हम इनको 100 दे रहे हैं, हमारे पास 1000 क्वांटिटी थी, 10% के डिस्काउंट पे दे रहे हैं। हम इनको प्रोडक्ट 2 भी दे रहे हैं, 100 की क्वांटिटी पे, 100 रुपीज़ प्राइस है। हम इनको 150 दे रहे हैं 10% के डिस्काउंट पे। इनका टोटल अमाउंट, टोटल क्वांटिटी इतना हो गया, टोटल अमाउंट इतना हो गया, हम सेव करेंगे। हमने सेव किया, ये ऑटोमेटिक आ गया इनवॉइस नंबर, इस पे 2 प्रोडक्ट गया हुआ है इतने का। अब हम चाहेंगे तो यहाँ से इनका पर्टिकुलर पार्टी ऑर्डर का भी हम चेक कर सकते हैं। अनु के ये इन्होंने 2 प्रोडक्ट लिए हैं, टोटल कितनी क्वांटिटी लिया है, कितने अमाउंट का प्रोडक्ट हमसे लिया हुआ है, ये पूरा उनका एड्रेस डिटेल के साथ आएगा। अब इन्होंने क्या पेमेंट किया है उस प्रोडक्ट के लिए, तो हम यहाँ से रिसिप्ट वाउचर पे रिसिप्ट वाउचर डालेंगे, वहाँ से सेलेक्ट करेंगे उनका नाम, उन्होंने किसके थ्रू किया है, कैश, चेक, ओन अकाउंट, तो कैश के थ्रू किया है, इतना दिया है, 1000 दिया है या जितना भी दिया हो उन्होंने, किस डेट को दिया है वो डेट आ जाएगी, बाकी कब देंगे क्या है कमेंट या आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आप सेव करेंगे, ये रिसिप्ट वाउचर पे आ जाएगा ऑटोमेटिक इनका। आप यहाँ से रिसिप्ट वाउचर का भी है, पार्टी रिसिप्ट यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उनका जितना भी रिसिप्ट रहेगा वो पूरा डिटेल यहाँ पे आएगा। अभी उन्होंने एक दिया है, बाकी जितनी भी एंट्री रहेगी सब इसमें आ जाएगा ऑटोमेटिक। सेल्स रिटर्न, उन्होंने जो प्रोडक्ट लिए थे, 2 प्रोडक्ट हमसे लिए हैं, दोनों प्रोडक्ट में से उन्होंने एक प्रोडक्ट के कुछ क्वांटिटी उन्होंने वापस कर दिए हैं, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट 2 के। मान लीजिए उन्होंने 30 क्वांटिटी वापस कर दिए, 10% के डिस्काउंट से दिया था उनको, इतने हज़ार के अमाउंट के उन्होंने वापस कर दिए हैं, तो ये आ गया। अब हमें चेक करना है कि हमारा प्रोडक्ट कितना है। हम ऐड प्रोडक्ट पे जाएंगे, हमारे स्टॉक पे इतने सारे प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट लिस्ट है, इतने अमाउंट की सेल्स ऑर्डर इतने का आ चुका है, इतने अमाउंट का कितना बच गया, ये इसमें से घट जाएगा, इतना अमाउंट हमारे पास बैलेंस बचा है बिफोर रिटर्न, अभी तक रिटर्न नहीं आया तो इतने का, आफ्टर रिटर्न जिसमें से 30 वापस आ गए इतने अमाउंट का, ये 30 इसमें ऐड हो जाएगा और ये अमाउंट इसमें ऐड हो जाएगी इतने अमाउंट, यानी ओवरऑल हमारे पास अभी बैलेंस जो है इतना बचा हुआ है। अब हम जो है यहाँ से बैलेंस शीट निकालेंगे, हमें चेक करना है इनका बैलेंस शीट निकालना है, हम क्लिक करेंगे ये पूरा बैलेंस शीट इनका आ जाएगा। हम इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ से हम क्लिक करते हैं, इसको पीडीएफ में भी हम सेव कर सकते हैं, ये आ गया, ये आप उनको प्रिंट करके दे सकते हैं। इसमें पूरी रिकॉर्ड है, जैसे कि पार्टी सेल्स ऑर्डर, उन्होंने 2 प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे कितने का, ये है पार्टी ऑर्डर 250 क्वांटिटी का, इतने अमाउंट पर उन्होंने ऑर्डर किया था, रिटर्न कितना किया है दोनों में से, ये इस प्रोडक्ट का इन्होंने 30 क्वांटिटी रिटर्न कर दी इतने अमाउंट का, टोटल बैलेंस उनके पास ओवरऑल कितना बच गया 250 में से, 220 अभी उनके पास है इतने अमाउंट का जो है क्वांटिटी, इतना क्वांटिटी इतने अमाउंट का उनके पास है, जिसमें से उन्होंने 1000 रुपये दिए हुए हैं, यानी टोटल ऑर्डर जो था ओवरऑल इतने का अमाउंट का ऑर्डर था, इतने अमाउंट का ऑर्डर था, उन्होंने कितना पेमेंट किया, इतना पेमेंट किया है, तो